आप कायर हैं, आप कमजोर हैं, और कायरता पूर्ण और दिग्भ्रमित करता कौन है? जो सबसे बड़ा कारोबारी और माफिया है जो आपके साथ उस दिन नौतन गया था, और जब विरोध किया तो दो मिनट के अंदर आप भाग गए। आपके गाड़ी में या तो आप उसके फॉर्चुनर में बैठे थे या तो विजय गुप्ता आपके फॉर्चुनर में बैठे। तीसरी चीज, हर शराब माफिया जिनका मैं अभी लिस्ट दे रहा हूं, इनका मोबाइल सर्विलांस पर लिया जाए और टेस्ट जांच कराई जाए कि जहां के ये है वहां के थाना प्रभारी से कितने बार इसकी बातचीत होती है, डीएसपी से कितने बार बातचीत होती है, वहां के एमएलए एमपी मंत्री संतरी से कितने बार बातचीत होती है, इसकी जांच मैं चाहता हूं। मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा इसकी जांच होनी चाहिए। और इन माफियाओं का टेलीफोन, जो पूरे परिवार का टेलीफोन है, उसको सर्विलांस पर लेना चाहिए। तीसरी चीज, विपक्ष के सत्ता पक्ष के अध्यक्ष बीजेपी के अध्यक्ष से मैं जानना चाहूंगा, आपने कहा कि शराब प्रशासन के नेतृत्व में बिक रहा है और सुशील मोदी कोई और बात कर रहे हैं, रूढ़ी कोई और बात कह रहा है, तो क्या आप अन्य लोगों पर कार्रवाई करेंगे? एम्बुलेंस से शराब चल रहा है तो क्या आप कार्रवाई किए? और बीजेपी के लगभग बड़े लोग माफिया में हैं, शराब बेचवाते हैं, तो क्या आप उनको कार्रवाई करेंगे? लगभग बीजेपी आरजेडी जदयू और अन्य पार्टी के लोग, जो नेताओं के साथ गाड़ी चलती है वो या तो अपराधी या तो माफियाओं की चलती है, और उसमें ये तीन माफिया, चार माफिया, या तो शराब या तो बालू या तो जमीन या तो ठेका माफिया, जल नल योजना या अन्य योजना वाले, और वही इर्द गिर्द बैठे रहते हैं। क्या बीजेपी निकट भविष्य में विधानसभा बुलाने जा रही है? जनता के पैसे का जो टैक्स है, जो लोग लेते हैं, चाहे वो विधायपालिका हो, कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, क्या नीतीश जी की सरकार, एनडीए की सरकार जिम्मेदारी तीनों की तय करेंगे? सबसे पहले जिम्मेदारी तय होनी चाहिए विधायक का, पालिका की, तब कार्यपालिका की, तब न्यायपालिका, क्योंकि जनता के टैक्स से ही हम अपने बाल बच्चे को जिंदा रखे हुए हैं। फ्री में बिजली लेते हैं, फ्री में पानी लेते हैं, फ्री में घर लेते हैं, फ्री में मजे लेते हैं और जनता को मारते हैं। तो क्या देसी शराब को कंप्लीट रूप से बंद करने के लिए वर्तमान सरकार और विपक्ष एक हैं? जबकि जब 5 साल पहले ये पॉलिसी लाई गई थी तो नीतीश जी और लालू जी दोनों का दल एक था। उस वक्त आप पॉलिसी इंग्लिश शराब बंद करने के पहले देसी शराब पर आपने कोई निर्णय सही क्यों नहीं लिया? जब आप जलनल योजना में मुखिया जी को डिस्चार्ज सस्पेंड कर रहे हैं, जब आप अन्य घोटाले में डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो शराब जिसको आप महत्वपूर्ण हिस्सा माने हुए हैं अपने जीवन का, तो क्या उसमें आप जिम्मेदारी तय करेंगे? वार्ड सदस्य की, पंचायत समिति की, मुखिया जी की, सरपंच की, वहां के एमएलए की, जिला परिषद की और ब्लॉक प्रमुख की? ये सबसे पहले झाड़ू ऊपर से दिया जाता है, नीचे से नहीं। यदि पंचायत में देसी शराब का ठेका चल रहा है, इसका मतलब है कि एमएलए को, मुखिया जी को, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति को पता है। तो क्या पहली जिम्मेदारी ये तय होगी? क्या इलेक्ट्रॉल चुनावी प्रक्रिया जो है, हम जो चुनाव लड़ते हैं, क्या उसमें चेंजिंग हम लाएंगे कि जो दारू पीते हैं या जो दारू बेचवाते हैं, जो भट्टी चलाते हैं या जो दारू के पैसे से जिनका घर भर रहा है, क्या इनको चुनावी प्रक्रिया से कंप्लीट अलग रखा जाएगा? दारू इसमें गांजा पीने वाले, जब आप कटिबद्ध है कि बिहार को हिंदुस्तान से बाहर रखना है, पूरे हिंदुस्तान में शराब चलेगा,
गुजरात में शराब धरल ले ओपन चलेगा, लेकिन बिहार में यदि आप कटिबद्ध हैं तो सबसे पहले आप लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए संविधान की रक्षा जो बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि आम आदमी पैसे और दारू पर वोट नहीं दे, पंचायती चुनाव में शराब और पैसे पर वोट दिए जाते हैं, विधायिका के चुनाव में शराब और पैसे खरीदे जाते हैं, यदि आप 3 से 4 बच्चों पर आप बैन करके चुनाव रोक सकते हैं, यदि आप अन्य चीजों में आप चुनाव रोक सकते हैं, तो क्या ये मापदंड नेताओं के लिए नहीं होनी चाहिए कि जो शराब पिएगा, जो उसके कैरेक्टर गलत जिनके होंगे उनको हम चुनाव प्रक्रिया से वंचित रखेंगे? तो क्या न्यू पॉलिसी में नीतीश कुमार, बीजेपी और विपक्ष एक होंगे? हमारी सरकार आएगी तो मैं ये पॉलिसी बनाऊंगा। हर परिस्थिति में आम आदमी पे नहीं, जनप्रतिनिधि एक्ट में यदि बार बार चुनाव में अपराधी अपराध पर बहस है तो जमीन माफिया, बालू माफिया, इन सारे माफियाओं पर बहस होनी चाहिए। दूसरी चीज, जो शराब बेचता है जिसके पास ठीके पकड़ाए जाते हैं, मैं जानना चाहता हूं क्या उसकी संपत्ति जब्त होगी? क्या यह पॉलिसी तय होगा कि जो शराब बेचते हैं, जो शराब बेचवाने में पकड़ाते हैं, उनका आधार कार्ड सीज कर लिया जाएगा और उनको सरकारी सुविधा से वंचित कर दी जाएगी? ना तो बिजली, ना तो पानी, ना तो बैंकिंग व्यवस्था। सरकार यदि कंप्लीट रूप से डिटर्मिनेशन है कि मुझे करना है, तो आप आधार कार्ड उस व्यक्ति का छीनिए जो भट्टी चलाता है, जो डेली शराब लाता है, ताकि उनको जनता के पैसे से कोई सुविधा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि वो जनता की हत्यारी है। आप तय करिए कितने नेताओं की संपत्ति और दरोगा की संपत्ति जांच हुई। इसीलिए पहली जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि कानून के तहत और विधायिका के तहत, दूसरा कार्यपालिका में बहुत क्लियर है, दरोगा के सस्पेंशन से कुछ नहीं होना। 1 साल में वो करोड़पति हो जाते हैं, 1 महीने के सस्पेंड करके 10 लाख रुपया में वो दूसरा थाना ले लेता है। दरोगा, चौकीदार, दफेदार से लेकर के एक्साइज इंस्पेक्टर से लेकर के DSP तक को बर्खास्त किया जाना चाहिए। SP, DIG इनको सस्पेंड करना चाहिए, क्योंकि हमाम में सब नंगे हैं, बिल्ली को दूध की रखवाली नहीं दी जा सकती, थानेदार कंप्लीट इन्वॉल्व है दारू बेचवाने में, प्रशासन कंप्लीट इन्वॉल्व है दारू बेचवाने में। तो क्या आप 3 महीना के अंदर SPD ट्रायल करेंगे? आज तक ट्रायल नहीं हुआ। चौथी चीज, जदयू का सबसे बड़ा आरोप है कि एक्सीडेंट कम हो गया। अरे जदयू के नेता लोग, फुंसी फोड़ने के लिए गला नहीं कटाया जा सकता, पैर नहीं काटे जा सकते, फुंसी को या तो फोड़िए या तो ऑपरेशन करिए। मेरी गौर से सुनिए, 6,32,000 जेल गए, जिसमें 6,32,000 आदमी का परिवार बिखर गया, थाने को पैसा दी गई और साथ साथ थाने के पैसे के साथ साथ वकील को पैसा दिया गया। मेंटल टॉर्चर हुआ, फिजिकल टॉर्चर हुआ, पारिवारिक टॉर्चर हुआ और पैसे भी हमारे चले गए। उससे ज्यादा खतरनाक, हमारा पैसा गया नेपाल, हमारा पैसा गया बंगाल, हमारा पैसा गया झारखंड, हमारा पैसा गया UP, हमारा पैसा गया पंजाब, हमारा पैसा गया हरियाणा, बिहार का पैसा बिहार के डेवलपमेंट में नहीं लगा। 70-80 रुपये का दारू, 100 रुपये का दारू मिनिमम 300, 400, 500, 600, 700, 800 रुपये में आपने डिलीवर बॉय को जेल भेज दिया, गोदाम पप्पू यादव का चौकीदार को भेज दिए, गोदाम के मालिक को नहीं भेजे, थानेदार को सस्पेंड कर दिए। आश्चर्य होगा, डिस्चार्ज नहीं किए, संपत्ति की जांच नहीं हुई।
क्या 5 सालों में आपने देखा अरबों खरबों की शराब पकड़ाए गए, डेली शराब के खेप आ रहे हैं, लगभग एमपी एमएलए शराब में इन्वॉल्व हैं, लगभग कुछ बड़े बड़े एमएलए का हाजीपुर और बहुत जगह लोगों का रांची में दूसरे स्टेट में फैक्ट्री है, लगभग शराब के पैसे एमपी एमएलए के घर जा रहे हैं, कुछ एमएलए एमपी मंत्री को छोड़कर। तो पहले इनकी संपत्ति जांच क्यों नहीं, फिर कार्यपालिका, फिर न्यायपालिका, लगातार शराब।